हाँ नमस्कार बच्चों, आज से हम ये वैदिक गणित का सफर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नाइन्थ के लिए, और क्लास टेंथ के लिए सफर हम तय कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, काफी कुछ हद तक वहां पे हो चुकी। नाइन्थ के सिलेबस, नए सिलेबस के लिए हम बता दें आप लोगों के 1.1 के सभी सवाल एज इट इज 1.1 में है, और जहां तक 1.2 के सवाल हैं वो नए सिलेबस के, उसमें केवल एक से, और वो हम बता रहे हैं कहां तक, 16 तक के सवाल वो आपको नए सिलेबस में रखा गया है। यानी 1.1 वो तो पूरी आप लोगों को सॉल्व करनी है, और आप लोगों की जो सिलेबस में 1.2 है, 1.2 के 1 से 16 तक के सवाल ही आप लोगों के सिलेबस में है। उसके बाद में वो क्लास टेंथ में चले गए, जो क्लास टेंथ के बच्चों को समझाए जा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, तो ये तो ध्यान रखिए सिलेबस के बारे में। और अब आप लोग अपने अपने पाठ्य पुस्तक, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस एज इट इज इसी बुक से कवर हो रहा है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक खुशखबरी दे दे बच्चों आप लोगों को, कल यानी जो संडे 25 तारीख को हम एक इंटरनेशनल वर्कशॉप मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स की थी, उसमें नई दिल्ली गए हुए थे, और आप लोगों के लिए कहीं से कुछ नया मिल सके जिससे हम बेहतर से बेहतरीन दे सके, ये हमारी इच्छा रहती है बच्चों। और ऐसे में आप लोग कभी भी क्लास मिस मत होने दिया करो, क्लास अपनी अटेंड किया करो बच्चों, ये ध्यान रखिए, नहीं तो आपसे ज्यादा दुख हमें होगा। यस कम ऑन, चलिए 1.1 में हम लिए चलते हैं। और इस बार बच्चों सुनो, इसको हम शुरुआत में जो योग वाले और व्यवकलन यानी कि घटाने वाले जो सवाल है, घटाने वाले 1 से 4 तक योग वाले, और फिर जो 4 सवाल है वैदिक विधि से व्यवकलन करिए। तो हम चाहते हैं कि आप पहले उदाहरण से समझ के आए। ठीक है आसान, योग तो आप बचपन से करते आ रहे हैं वही है, लेकिन चूंकि वैदिक गणित चाहता क्या है, आपको तनाव मुक्त गणित देना चाहता है, किसी भी तरह की कोई टेंशन में आप लोग नहीं आए। तो हम 9 से 12 तक का सफर पहले तय कर रहे हैं 1.1 में, कहां से, 9 से 12 वाले सवाल। और उन सवालों को समझाते समझाते हम मन से जरूर देंगे बच्चों सवालों को, ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज 1.1 निकालिए, पेज नंबर 7 पे स्थित है ये, और इसका सवाल नंबर 9 हम पहले ले रहे हैं। कहा क्या गया है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणा कीजिए। किसके द्वारा, एकाधिकेन पूर्वेण के द्वारा गुणा कीजिए। ध्यान से 42 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 48 से, और सवाल नंबर जो 10 है, सवाल नंबर 10 उसमें 103 को गुणा करना है 107 से। अब समझिए ये एकाधिकेन पूर्वेण लगता कब है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण ऊपर लिखा है, और ऐसे योग में भी लिखा है बच्चों एकाधिकेन पूर्वेण वाला मामला, तो ये एकाधिकेन पूर्वेण लगता कैसे है आइए समझिए। इसमें क्या है बच्चों, ये इस स्थिति में लगता है कि जो इकाई का अंक है ना हमारा, आपको नहीं बनाना, ये हम तो चिन्हित कर रहे हैं कि ये 3 और 7 इनका योग 10 दिख रहा है, 2 और 8 का टोटल 10 दिख रहा है, यानी 10 के गुणज में है। तो इसमें हम 2 पार्ट में इनको करते हैं, 8, 2 को 8 से गुणा करके इधर, और एकाधिकेन पूर्वेण इधर जो 4 दिख रहा है इससे 1 अधिक। थोड़ी देर के लिए इधर भी समझ लीजिए, अगर ये 4 और ये इधर का 3 + 7 = 10 बन रहा है, दिख रहा है ना आप लोगों को, तो इधर एकाधिकेन पूर्वेण लग सकता है, शेष अंक समान दिख रहे हैं हमारे को, शेष अंक समान, और वो क्या है 10। यहां शेष अंक कौन सा है, हाँ हाँ वो है 4, तो 4 को 5 से गुणा किया, यहां 10 को हमने 11 से गुणा किया 110, और इधर 3 को 7 से गुणा करके 2 अंकों में लिखना है, ये ध्यान रखना है, इधर 2 को 8 से गुणा करके 2 अंक बनाने हैं, यानी ये, और इधर 2016, और इधर में 110, 21। बच्चों वैसे हम आपको बता दें कि अगर इकाई का अंक 5 होता है ना, जैसे 45 45,
तब भी एकाधिकेन पूर्वेण काम करता है। यहां अगर 105 गुणा 105 होता तो भी एकाधिकेन पूर्वेण काम करता। तो इसको करिए देखें आप लोग, क्योंकि यहां पे पांच पांच दस दस समान है, यहां चार चार समान है और पांच का टोटल दस है, उसको समान मत मान लीजिए, ठीक है ना बच्चों। इन दोनों के आप सेल्फ कीजिए, देखिए कर पाते हैं या नहीं, देखते हैं हम। यस बच्चों, संभवतः आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए एक बार हम मिला लेते हैं, यहां पे 45 को 45 से गुणा करना था, तो इस पार्ट में 4 से 1 अधिक और इधर 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 यानी 25, 2025 इज द राइट आंसर। और इधर क्या करेंगे बच्चों, सुनो 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 सुनो, 10 को 11 से आप लोगों ने गुणा किया होगा एकाधिक, और इधर 5 गुणा 5 इधर, तो 11025 इज द राइट आंसर। अगर आपने भी यही लिखा है तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, 2025। क्या बोला मैंने, 2025। तो कितने बच्चों के यही आंसर थे बता सकते हैं? यस, 2025 और 11025। अब बच्चों एक बात सुनो, आप लोगों ने जब मैंने एक बहुपद पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर करवाया था तो आप लोगों को एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई की एक सर्वसमिका बताई थी, उससे भी इसको आप जोड़ सकते हैं। 2025 45 का स्क्वायर है, तो ये 45 से 3 कम है, ये 45 से 3 अधिक है, क्योंकि टोटल तो 10 हो रहा है ना बच्चों, तो 3 कम करेंगे 3 ज्यादा करेंगे तभी तो टोटल 10 आएगा। तो उसमें वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 45 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 2025 माइनस 9, तो आंसर यही होगा 2016। तो आप लोग थोड़ा सा एक दो मेथड लेके चलिए, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे 11021 और 11025 ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये थे एकाधिकेन पूर्वेण वाले, इस तरह के सवाल आप स्वयं भी ले सकते हैं। अब हम 11वां और 12वां देख रहे हैं, उसमें 6 और 4 का टोटल तो 10 हो रहा है सवाल नंबर 11 में, लेकिन शेष अंक समान नहीं है। बच्चों ये ध्यान रखना, वैदिक गणित में जो शर्त दी गई होती है ना, शेष अंक 4 समान है, शेष अंक 10 समान है, वो समान होना चाहिए, ठीक है। और किधर, 2 प्लस 8 का टोटल 10, ये तो 10 सवाल है, सवाल नंबर 10, तो ये ध्यान रखिए। अब अगले वाले मामले में सवाल नंबर 11 में थोड़ा सा संभल के चलना, ठीक है। देखिए फिर से हम बता दें बच्चों, वैदिक गणित एक बार समझने के बाद में बहुत आसान लगती है। आप लोग आठवीं तक, आठवीं में भी एक चैप्टर हुआ करता था बच्चों, तो उससे काफी कुछ हद तक समझ के आए होंगे आप लोग। देखिए सवाल नंबर 11 है, 294 मल्टीप्लाई बाई 206, 294 मल्टीप्लाई बाई 206। तो यहां ध्यान दीजिए बच्चों, 94 प्लस 06, क्योंकि यहां 2 और 2 का अंक ही समान है। अरे ध्यान रखना बच्चों, तो इनका टोटल हुआ 100। ठीक इसी तरह से हम 12वां सवाल भी आप लोगों के नजरों के सामने ले रहे हैं। सवाल नंबर 12 है, 413 मल्टीप्लाई बाई 487। तो बच्चों जो हम कह रहे थे आपसे कि कल एक इंटरनेशनल वर्कशॉप में थे और उनमें
यूके के एक बहुत बड़े राइटर हैं, काफी बुक्स उनकी वैदिक गणित पे चल रही हैं, वो खुद उस वर्कशॉप को ले रहे थे बच्चों। तो हम किस्मत वाले हैं, आप लोगों के लिए कुछ एनर्जी जुटा के लेके आए बच्चों। यस कम ऑन, यहां चार को हम पांच से एक अधिक से गुणा करेंगे और जो तेरह है, तेरह थर्टीन, उसको 87 से गुणा करेंगे। ठीक इसी तरह से यहां पे क्या करेंगे, दो को एकाधिक, क्योंकि सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण है, दो को एक अधिक से, और इधर में 94 को गुणा करेंगे किससे, 06 से। अब बच्चों एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसके गुणा में हमें चार अंकों में संख्या लिखनी है, ये ध्यान रखना। जैसे पिछले वाले में एक एक अंक आ रहा था ना, तो हम दो अंक में लिख रहे थे, अगर एक अंक आता है तो शून्य की मदद लेंगे, यहां तीन अंक आते हैं तो हो सकता है शून्य हमें लगाना पड़े, यही अंकों का आपको ध्यान रखना है बच्चों वैदिक गणित में। यहां 6 चौक 24 आता तो है ना गुणा बच्चों, 2 हासिल के 9 5 54 और 2 56 5 6 4, एक जीरो यहां पे लगाना पड़ेगा चार अंक बनाने के लिए। ठीक इसी तरह से इधर में 3 2 6, उसमें कोई अंकों का हेर फेर नहीं है, इधर की तरफ है, तो यहां पे 6 0 5 6 4 इज द राइट आंसर, है ना बच्चों। अभी आंसर शीट से भी मिला लेंगे, आइए इधर गुणा करें, 4 को 5 से गुणा किया 20 और इधर 13 को गुणा किया किससे, 87 से, तो 13 7 91 9 हासिल के लगे, 13 8 104, है ना, 13 7 91 13 8 104। कुछ बच्चों को मुझे मालूम है पहाड़े नहीं आते 13 का, बच्चों याद रखना, अभी मैं कभी भी पूछ सकता हूं आप लोगों से। यस ये हुआ 113, वो हमने यहां लिख दिया 113, तो यहां उत्तर हो गया 201131 201131। आइए इन सवालों के भी हम उत्तर मिला लें, तो 9th वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं, आप लोगों के सिलेबस में थोड़ी सी कटौती ही की गई है, 10th वालों के जरूर 9th में से कुछ पार्ट उठा के लगा दिया गया है। यस सवाल नंबर 11 है, मिलाए हम 60564 और 201131 इज द राइट आंसर, उतार लीजिए एकाधिकेन पूर्वेण वाले। अब बच्चों ये जब तक मन से सवाल नहीं करोगे ना, अभी आपको मैंने कुछ दिए थे तो उसी तरह के सवाल कुछ और हम दे रहे हैं, लिख रहे हैं यहां पे मन से। ठीक है तो दो सवाल तो हमने आपको दिए ही थे, अभी आप खुद कीजिए, पहले 9 और 10 जैसे सवाल, जैसे 41 को मल्टीप्लाई करना है 49 से, यह हमारे को करना है 94 को 96 से। ठीक है कीजिए, इधर टोटल 10 हो रहा है, इधर शेष अंक समान है, टोटल 10 हो रहा है, शेष अंक समान है, कीजिएगा इन दो सवालों को। हाँ पहले ये उतार लीजिए, फिर ये मन से दिए हुए दो सवाल कीजिए।
यस बच्चों, फिर से हम हमारी बात को दोहरा दे जरा कि आप इनको अच्छी तरह से समझ के और मन से जरूर सवाल करिएगा। यस, यहां पे एक बात समझानी थी बच्चों कि ये 9 × 1 = 9 आया, 9 आया तो इसमें एक ही अंक है तो 0 9 लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। और इधर में 4 को 1 अधिक यानी 5 से गुणा करेंगे। अगर आपने ये शून्य नहीं लगाया तो शून्य मिलेगा, और अगर 0 लगाया है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये ध्यान रखिए बच्चों। तो 2009 और इधर में 6 × 24 और इधर 9 × 10 9024। अगर 95 का स्क्वायर करते तो 9025 आता, उसमें एक कम एक ज्यादा, तो वो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट है यहां पे, ये ध्यान रखिए। और इस तरह के जो सवाल हैं जिनमें टोटल 100 आ रहा है या 1000 आ रहा है, ध्यान रखना यहां टोटल 100 है ना, तो इसके 2 शून्य होने से उसका डबल यानी 4 अंक इधर आएंगे। अगर बच्चों सुनो सुनो सुनो, एक बात छोटी सी मैं बताऊं आप लोगों को, यहां पे ही बता रहा हूं, देखिए किस तरह का यूजेज हम इसमें ले सकते हैं। अगर मैं यहां पे 2094 मैं लिख रहा हूं और यहां पे 2006 लिख रहा हूं, है ना बच्चों, तो यहां आप क्या करोगे, यहां पे 94 और 96 ये वाली ही पोजीशन बन रही है और 20 को क्या कर देंगे, 21 से गुणा कर देंगे। यस, इस पार्ट में 20 × 21 हो जाएगा और दूसरे पार्ट में 94 × 06, वही चूंकि टोटल 100 हो रहा है इसलिए यही जो गुणनफल यहां आया था 0564, इसको बच्चों नकल करना नहीं बोलते, हमारी अपनी ऊर्जा को बचा रहे हैं। यस, इसको इससे गुणा किया तो 420 420। यस, ये गुणा हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर यहां पे मान लीजिए 3 अंकों का मामला होता, केवल 2 और 2 समान होते तो हम इस तरफ 6 अंक लेते बच्चों, 6 अंक। ये ध्यान रखिए, ये ऊपर वाला सवाल नहीं है, ये सवाल भी हमने मन से समझाया है, कहीं कोई कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। यस, उतार लीजिए जल्दी से अंतराल से पहले, इसको भी उतार लीजिए। यस बच्चों, तो जैसा मैंने आपसे कहा, वैदिक गणित अगर अच्छा खासा आप समझना चाहते हो तो उन सवालों को घर पे जाके जरूर कीजिए जो हम यहां से समझा रहे हैं, उसी दिन, अगले दिन करोगे ना बच्चों तो आधी याद रहती आधी भूल जाते, अरे आप क्या बच्चों, हम भी भूल जाते, ठीक है ना, ऐसा है। तो आप मेहनत कीजिए और गणित को आसान बनाइए, वैदिक गणित थोड़ा आप लोगों को गणित को रुचिकर बनाती है। ठीक है, तो संभवतः इतना आप लोगों ने समझ भी लिया होगा, उतार भी लिया होगा। मिलते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
बार पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। बच्चों इसके बाद में देखो ये चार सवाल तो हमने लिए, सूत्र न्यूनेन पूर्वेण वाला मामला एक नौ से नौ वाले अंक उनको कैसे गुणा किया जाता है वो अब भी एक समझने का है, और इसी तरह से 19, 20, 21, 22 उनमें हमसे कहा गया है वैदिक विधि से गुणा कीजिए। क्या बोला मैंने? वैदिक विधि से गुणा कीजिए। अब की बार हमारे को सूत्र नहीं बोला, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सूत्र बोला गया है कि यहां पे न्यूनेन पूर्वेण लगाना है। तो आइए तेजी से समझें इन्हें। और बच्चों सुनो एक बात बताएं आपको, ये न्यूनेन पूर्वेण तो आपको समझा ही देंगे, क्योंकि यहां एकाधिकेन पूर्वेण लिखा हुआ है, तो हम 19, 20, 21 और 22 उनको भी पहले ले रहे हैं, क्योंकि उनमें एकाधिकेन पूर्वेण ही लगेगा। कब लगता है समझिए, 15 सही 5/7 गुणा 15 सही 2/7 और 20वें सवाल में 24 सही 10/13 गुणा 24 सही 3/13। तो यहां पे 15 और 15 समान दिख रहे हैं ना, और 5/7 ध्यान देना इधर, 5/7 + 2/7 इसका टोटल 1, और इधर में 10/13 + 3/13 इनका टोटल भी 1। इसी स्थिति में यह लगता है एकाधिकेन पूर्वेण का मामला कि 15 को 1 अधिक यानी 16 से गुणा करें, शेष अंक समान है बच्चों, 15 समान, और इधर 5/7 गुणा हो जाएगा 2/7 से। ठीक इसी तरह से यहां पे 24 को हमने गुणा किया 25 से, और 10/13 गुणा हुआ 3/13 से, तो इधर 15 × 16 240, और इधर 5 × 10 = 7, 7 = 49 240 सही 10/11। ठीक इसी तरह से 24 को 25 से गुणा किया 600, 10 × 30 = 169 उत्तर। उतारिए जल्दी से आंसर शीट से, हम आप लोगों की नजरों के सामने मिला रहे हैं। 240 सही 10/49 और 600 सही 30/169 जल्दी से उतारिएगा आप लोग। हाँ बच्चों एक बार हम फिर से बता देते हैं कि यहां पे 15 सही 5/7 गुणा 15 सही 2/7 है, तो 15 और 15 ये तो अंक समान है, और 5/7 और 2/7 इनका योग 10 हो रहा है। ठीक है, अगर डेसिमल्स में कोई आ रहा है वो भी हमें भी बताएंगे 21वें सवाल में, तो यहां पे इनका टोटल 1 आ रहा है और इधर इनका टोटल 1 आ रहा है, तो हमने यहां पे 15 से 1 अधिक यानी कि 16 से गुणा कर दिया, 5/7 को 2/7 से गुणा कर दिया, तो 240 सही 10/49 इधर आ गया। इसमें यह भी ध्यान रखना 15 को 16 से गुणा करना है ना, तो 15 के स्क्वायर में 15 भी प्लस कर सकते हैं, यहां 24 को 25 से गुणा करना है तो 24 का स्क्वायर 576, उसमें आप 24 प्लस कर सकते हो, 600 आ जाएंगे। कुछ बच्चों का कहना है कि सर 25 के स्क्वायर में से 25 कर दे, कर दो ना आएगा यही 600, और फिर यहां पे 30 सही 169। अब अगला सवाल वो भी समझ लीजिए इसी तरह का है, तो हमने कुछ बीच बीच में से सवाल ले लिए बच्चों आज, अब चिंता नहीं करो बचे हुए सवाल भी हम समझा देंगे, लेकिन आप उदाहरण जरूर देख के आइएगा तो समझने में आसानी रहेगी। अब सवाल नंबर 21, इस तरह के सवाल अभी हमने किए भी हैं एकाधिकेन पूर्वेण में,
तो यहां पे आप 0.5 प्लस 0.5, अगर इनको दोनों को प्लस करेंगे तो वो 1.0 हो गया, वही बात हो गई। तो इधर एकाधिक अनुपूर्वण में 4 × 5 और 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 यानी 1/2, 4 से 1/2 भी लिख सकते थे उसको। तो यहां पे 4 × 5 = 20 और इधर पॉइंट में है तो 0.25। और बच्चों सुनो, अगर 4 से 1/4 होता ना, 4 से 1/2, ये 4 से 1/2, 4 से 1/2, तो वो 20 से 1/4 हो जाता। 1/4 का पॉइंट्स में मान 0.25 ही होता है। यस, अब हम ले रहे हैं अगला 22वां सवाल, वो भी डेसिमल में है, 9.85 मल्टीप्लाई 9.15, 9.85 मल्टीप्लाई 9.15, चूंकि यहां पे 0.85 और 0.15 इनका टोटल 1.00 है, 1.00। इनको सॉल्व करने के लिए 9 को हम गुणा करेंगे 10 से, 9 × 10 ये इधर के पार्ट में, और इधर 0.85 × 0.15। अब ये कंसेप्ट आपको क्लियर करेगा बच्चों कि पॉइंट के बाद में हम 4 अंक वाला मामला जो लेते हैं ना, वो क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें पॉइंट हटाने पे एक तरह से 100 आ रहा है, पॉइंट हटाने पे 100 आ रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, इसको यहां पे 9.0 लिखेंगे और इस तरफ 15 × 75 5 असल के साथ 15 × 120 और 7 × 127, तो 90.1275 इज द राइट आंसर, 90.1275। यस, बिल्कुल यही आंसर शीट में है बच्चों, उतार लीजिए। यानी इधर का पार्ट ऐसे डेसिमल से आएगा और इधर का पार्ट इस तरह से आएगा। इनमें जो सूत्र लग रहा है वो एकाधिक अनुपूर्वण लग रहा है। तो आज हमने कौन कौन से 4 और 4 8 सवाल लिए, चारों ही एकाधिक अनुपूर्वण वाले लिए। अब हमारे रहे कौन से हैं, न्यून अनुपूर्वण वाले 6 सवाल और 1 से लेके 8 तक योग और व्यवकलन यानी कि घटाने वाले सवाल। उतार लीजिए जल्दी से इसको। यस बच्चों, तो ये जैसे 19वां और 20वां सवाल था, इसी तरह से 21 और 22 में डेसिमल्स हैं, दशमलव हैं। एक बार फिर से हम हमारी बात को दोहरा दें, आज की तारीख में यानी कि 26 अगस्त को ही इन सवालों को दोबारा से दोहराना आप लोग, ठीक है ना। बाद में करने पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, भूल सकते हैं। इससे पहले कि आप उसे भूलें, एक बार थोड़ा सा दोहरा ले लीजिए उसको। तो यहां पे 4 को हमने 5 से गुणा किया, 20.25 और इधर 9 × 10 90.1275 यहां आप लोगों की नजरों के सामने हमने इसका गुणा किया। तो ये 4 और 4 8 सवाल जो एकाधिक अनुपूर्वण पे थे,
वो हमने आज समझाया आप लोगों को, संभवतः आप लोगों ने उतार भी लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे। तो अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।